नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सेमरिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने ग्राम हरिहरपुर बगदरा इठा दुभा मड़ा खमरिया पुरैनी जागीर पुरैनी कोठार साव हरदी रहट दादर आदि गांवों में अपने जनसंपर्क के दौरान घर घर जाकर सभाएं करके अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य की डबल इंजन वाली सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों के साथ चर्चा करने के साथ ही क्षेत्रीय वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन भी लिया। केपी त्रिपाठी ने अपनी सभाओं को संबोधित करते हुए बताया कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करने की घोषणा की और फिर ना कर्ज माफ किया और ना ही किसानों को कर्ज चुकाने दिया। हमारे अन्नदाताओं को झांसे में रखकर उल्टा उन्हें डिफॉल्टर बना दिया। कांग्रेस सरकार जनहितैषी और गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं या तो बंद कर दी या फिर लाभार्थियों के नाम ही हटा दिए। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भाजपा सरकार ने ब्याज जमा कराकर अन्नदाताओं को डिफॉल्टर की लिस्ट से बाहर निकाला, साथ ही गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को फिर से शुरू करते हुए लाभार्थी को हित लाभ प्रदान किए। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे ही लगाया, कभी भी गरीबी की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए गरीबों का वोट हासिल करके उनका शोषण ही किया है। गरीबों के लिए सच्चे मायनों में सिर्फ डबल इंजन की भाजपा सरकार ने काम किया और 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। केपी त्रिपाठी ने कहा कि इस बार चुनाव सेमरिया के भविष्य को लेकर हो रहा है, युवाओं माताओं और किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है, बहन बेटियों की जिंदगी संवारने का चुनाव है, विकास की रफ्तार को और गति देने का चुनाव है। इसलिए जरूरत है कि हम उस सरकार को चुनें जो विकास और प्रगति के लिए काम करती हो, गरीब कल्याण और आपके हितों के लिए काम करती हो। केपी त्रिपाठी ने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में मैंने 1600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दिलवाई है और इस विकास यात्रा को आगे भी जारी रखने के लिए आगामी 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के सामने वाली बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर विकसित सेमरिया बनाने में अपना योगदान दे। तंजा हाथी दोनों को चित कर देना है और कमल बोलिए भारत माता की, ससानन मामा की, पवन धाम महाराज की, बोले जय सेमरिया, जय हरिहरपुर, हरिहरपुर लोगों, हरिहरपुर के लोगों की, लाडली बहनों की, सभी काका लोगों की, सभी भाइयों की। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।